प्रयागराज में सभी देवी मंदिरों में माता की शयन आरती देखने और आरती करने के लिए शहर के सभी मंदिर अलोपिन मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर, ललिता देवी मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों में रात्रि काल की मां की शयन आरती के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अष्टमी की शुरुआत होते ही रात्रि के 12 बजे होने वाली माता की यह आरती करने और दर्शन करने लोग घंटों पहले से ही मंदिरों में पहुंचे। ढोल नगाड़े मंजीरे बजाकर और माता की आरती गाकर लोग माता से अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए माता का दर्शन व आरती करते हैं। नवरात्रि में रात्रि के समय माता की शयन आरती का विशेष महत्व है। इस आरती में लोग अपने परिवार के साथ माता की मंदिरों में शामिल होते हैं और माता से आशीर्वाद की कामना करते हैं। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी का ये धाम है। प्रातः से जब रात्रि तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त दर्शन करते हैं, तो रात्रि के 12 बजे मध्य रात्रि में एक अजीब सी मातेश्वरी की शक्ति दिखाई पड़ती है, बड़ा तेज दिखाई पड़ता है। और यह शयन आरती है, इसके बाद माँ शयन करती हैं। और इस आरती में दूर दूर से भरद्वाजपुरम से दारागंज, अल्लापुर, सुबदियाबाग, प्रीतम नगर, राजरूपुर, कटरा, तमाम लोग 11:30 बजे तक सन्नाटा रहेगा। लेकिन अचानक 11:30 बजे के बाद और 12 बजे के बीच में कम से कम 1,000-1,500 आदमी एकत्रित हो जाता है इस आरती के लिए। ये रेगुलर चलती है या नवरात्र में 9 दिन आरती होती है, शयन आरती 12 बजे, बाकी दिनों में रात्रि 10 बजे। और इस रात्रि नवरात्रि के आरती में जो भी भक्त 9 दिन मातेश्वरी के आरती में सम्मिलित होते हैं और अपने मनोकामना कोई भी अर्जी लगाते हैं माँ के दरबार में, वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। हमारा आज से नहीं, कम से कम 40 वर्षों से इस मंदिर से जुड़े हैं और हम लोग देख रहे हैं। हमारी 12 बजे की, इसमें हमारे हजारों भक्त गण जो है ये माँ के आरती सुनने आते हैं। माँ के आरती सुनने के बाद हर भक्त को इतनी संतुष्टि मिलती है, पारिवारिक, मानसिक, बच्चों का दुलार, सब कुछ। माँ इतनी दयालु हमारी ये ललिता माँ हैं कि इनका कोई रूप ही नहीं ना है। और हमारी 51 सिद्धपीठों में जो माँ ललिता का यहाँ 3 अंग गिरने के बाद जो शक्ति है, यही शक्ति वैष्णो देवी में भी यही 3 रूप में है और बाकी हिंदुस्तान के 51 सिद्धपीठों में कहीं नहीं। ये रात की जो आरती होती है, जी, इसका क्या महत्व है? ये इसका कब होती है? ये हमारी नवरात को ही होती है, चैत की नवरात और ये वाली नवरात, दोनों नवरात की 9 रोज हमारी पूर्णतः आरती होती है। आधे घंटे की आरती होती है जिसमें हजारों हजारों भक्तगण इस माँ के शरणों में आती हैं और रहते हैं। नाम और परिचय बताइए। मैं अनूप केसरवानी ललिता देवी का सेवक हूँ।